हेलो गाइज, मैं खुशी वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। भाजपा के एक कार्यकर्ता गुजरात से साइकिल पे सवार होके दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी से मिलने के लिए, और वहां जाकर बताई एक ऐसी खास वजह, वो वजह क्या है और ये साइकिल पे सवार होके क्यों गए थे, वो आज की न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगी, और उनका नाम क्या है वो भी मैं आज की न्यूज़ में आपको बताऊंगी। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ लेके आ पाएं। न्यूज़ अच्छी लगी तो जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। So guys, साइकिल तो मतलब कि आपके घर में कभी कभार बच्चे भी मांगते होंगे कि हम अभी क्लास से, एक क्लास से दूसरी क्लास जा रहे हैं और हमें साइकिल चाहिए, हम फर्स्ट आ गए, हमें साइकिल चाहिए। और कुछ लोग साइकिल चला के मंदिर जाते हैं, साइकिल चला के अपना एंजॉयमेंट करते हैं, साइकिल चला के कुछ कुछ ट्रिप्स करते हैं। पर कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जो साइकिल चला के कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं कि लोगों की नजर में आ जाते हैं। उसमें से एक भाजपा के कार्यकर्ता जिनका नाम है खिमचंद चंद्रानी, ये गुजरात से दिल्ली का सफर इन्होंने साइकिल पे किया और जब वहां जाके पीएम मोदी से मिले, क्योंकि ये सिर्फ पीएम मोदी से मिलने के लिए और अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, तब इन्होंने ये चीज वहां जाके बताई कि मैंने संकल्प लिया था कि अगर बीजेपी सरकार 300 से ज्यादा सीटों से जीत जाएगी तो मैं गुजरात से दिल्ली तक का सफर साइकिल पे तय करूंगा और उसके बाद जाके वहां पे उनको कांग्रेचुलेशन दूंगा। तो ये चीज तो हो गई, मतलब कि बीजेपी सरकार तो जीत गई और उसके बाद इनका संकल्प रह गया था जो कि इन्होंने अपना संकल्प पूरा कर लिया। इन्होंने गुजरात से दिल्ली तक का सफर किया तय और उसके बाद वहां पर जाके पीएम मोदी को कांग्रेचुलेशन दी और उसके साथ ये भी बोला कि आप जो भी कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है, हमारे युवक के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, हम आशा करते हैं कि आपकी सरकार आगे आगे भी आती रहे। और मैं 2-3 दिन में अमित शाह जी से भी मिलने के लिए जाऊंगा और उनको भी बधाई दूंगा। और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको गुजरात से दिल्ली का सफर 17 दिन का पड़ा, मतलब कि 17 दिन वो कंटिन्यूसली साइकिल चलाते रहे, बीच में रुके और फिर दोबारा से जाते रहे, पर जो उन्होंने संकल्प लिया था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच के पीएम मोदी को कंग्रेचुलेशन दी और 2-3 दिन में वो अमित शाह से भी मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इनका संकल्प अच्छा लगा है और ऐसी डेडिकेशन अच्छी लगी है कि साइकिल पे जो भी चीज इन्होंने सोचा था कि ये 300 से ज्यादा सीटों से अगर जीत जाएगी बीजेपी सरकार तो मैं साइकिल पे जाऊंगा, तो अगर आपको इस इनका जज्बा बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।